आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो आइए इस मोटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो पहले देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट है, दिस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज आल्सो कॉल्ड कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का एक दूसरा नाम हो जाता है और वो हो जाता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। दूसरा पॉइंट है, कैपेसिटर इज यूज्ड इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग। यह हम स्टार्टिंग वाइंडिंग या एक्जिलरी वाइंडिंग पर कैपेसिटर यूज़ करेंगे। फिर देखिए, मेन वाइंडिंग इज हाईली इंडक्टिव एंड स्टार्टिंग और एक्जिलरी वाइंडिंग इज हाईली कैपेसिटिव। मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव रहेगा बट स्टार्टिंग वाइंडिंग या एक्जिलरी वाइंडिंग हाईली कैपेसिटिव रहता है। फिर देखिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड थ्रू ए स्विच। हमारा जो स्टार्टिंग या एक्जिलरी वाइंडिंग है वो कनेक्ट रहता है थ्रू ए स्विच। अच्छा, स्विच इज सेंट्रीफ्यूगल टाइप और रिले रिले बेस्ड टाइप। ये दोनों में से कोई टाइप हो सकता है। हमारा स्टार्टिंग और एक्जिलरी वाइंडिंग जो है स्विच के थ्रू कनेक्ट होता है और स्विच जो है सेंट्रीफ्यूगल टाइप का हो सकता है या रिले बेस्ड टाइप हो सकता है। ये सब स्विच का काम क्या होता है कि इनिशियली क्लोज रहेगा और एक सर्टेन स्पीड अटेन होने के बाद ये सब स्विच ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आइए देखते हैं, मैंने यहाँ एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का डायग्राम बनाया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए केज रोटर यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए, ये मेन वाइंडिंग है और ये बताया जा रहा है कि एक्स एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एम। यानी ये क्या हो गया, ये मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव हो गया। और ये देखिए स्टार्टिंग और एक्जिलरी वाइंडिंग है जहाँ बताया जा रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन एक्स ए। यानी ये जो एक्जिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग है कैपेसिटिव नेचर के साथ होता है। और इसी में देखिए एक स्विच है जो इनिशियली क्लोज रहता है और रनिंग कंडीशन में ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखे हैं, उसको भी ध्यान रखना है। इनिशियली स्विच इज़ क्लोज टू कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग। हमारा जो स्विच है इनिशियली क्लोज रहता है ना, टू कनेक्ट द स्टार्टिंग और एक्जिलरी वाइंडिंग। अब देखिए, ये फेजर डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। हम वोल्टेज को रेफरेंस लिए हैं। ये देखिए, मेन वाइंडिंग का करंट जो है काफ़ी ज़्यादा लैग किया हुआ है ड्यू टू इंडक्टिव नेचर, और एक्जिलरी वाइंडिंग कैपेसिटिव होने के कारण ये देखिए आई ए लीड किया हुआ है। ठीक है, और आई ए और आई एम का जो वेक्टर सम है वो आई हो गया, और वी और आई के बीच के एंगल को फाई कहते हैं। इसको कहते हैं फेज एंगल ऑफ द मोटर। अब देखिए यहाँ ऐसा है कि आई ए और आई एम के बीच का एंगल जो है लगभग 90 डिग्री मेंटेन होता है। ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ पे लगभग 90 डिग्री मेंटेन होता है। और ये जो थीटा यहाँ पे देख रहे हैं आई ए और आई एम के बीच में, ये थीटा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग टॉर्क। इसलिए हम लोगों को ये थीटा अधिक मिल रहा है तो स्टार्टिंग टॉर्क अधिक मिलेगा यहाँ पे। यानी ये मोटर जो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क देगा। अब देखिए कुछ लिख रहे हैं, उसको भी ध्यान रखना है। व्हेन सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू द मोटर देन वी गेट टू करेंट्स आई एम एंड आई ए फ्रॉम टू वाइंडिंग्स विथ फेज डिफरेंस अराउंड 90 डिग्री। तो क्या बोल रहा है कि जब हम मोटर को सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो दो करंट प्राप्त होगा, आई एम मेन वाइंडिंग से और आई ए एक्जिलरी वाइंडिंग से। और ये दोनों करंट के बीच में जो है फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और वो फेज डिफरेंस हमारा लगभग जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, दस वी गेट टू फ्लक्सेस फाई एम एंड फाई ए फ्रॉम टू वाइंडिंग्स विथ फेज डिफरेंस अराउंड 90 डिग्री। और इस तरह से क्या होगा कि चूंकि आई एम मेन वाइंडिंग से और एक्जिलरी वाइंडिंग से आई ए है, तो आई एम जो है फ्लक्स फाई एम देगा और आई ए जो है तो फ्लक्स फाई ए देगा, और ये दोनों फ्लक्स के बीच में भी लगभग 90 डिग्री एंगल जो है एग्जिस्ट करेगा। और फिर देखिए, दस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट्स एट द एयर गैप और स्टेटर। इस तरह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो रोटेट करेगा इन द एयर गैप या स्टेटर। ठीक है, एट सिंक्रोनस स्पीड, है ना, एज लाइक थ्री फेज इंडक्शन मोटर यहाँ कह सकते हैं।
तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एयर गैप या स्टेटर पर रोटेट करेगा एट सिंक्रोनस स्पीड में, जैसा कि हम लोग देखे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। फिर देखिए, हियर विथ बोथ वाइंडिंग्स वन रोटेटिंग फील्ड ऑफ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी गेट्स कैंसल्ड। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसको जो है जिक्र किया था कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अनुसार हमारा रोटेटिंग फील्ड दो होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है, लेकिन यहाँ जब दोनों वाइंडिंग कनेक्ट रहता है शुरुआत में तो एक जो है रोटेटिंग फील्ड कैंसिल हो जाता है और एक ही रोटेटिंग फील्ड हमारा स्टेटर में या एयर गैप में बचता है। उसी के आधार पर जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का बिहेवियर मिलता है और रोटर घूमने लगता है रोटेटिंग फील्ड के डायरेक्शन पर या एग्जिस्टिंग रोटेटिंग फील्ड के डायरेक्शन पर। अब देखते हैं आगे। दस विथ वन रोटेटिंग फील्ड एंड केज रोटर, मोटर एक्ट लाइक थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब हमारे पास क्या है कि एक ही रोटेटिंग फील्ड है और केज रोटर मिल रहा है, जिसके वजह से थ्री फेज इंडक्शन मोटर का हम लोगों को बिहेवियर प्राप्त होगा। सो रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रोटेटिंग फील्ड। और इस तरह से क्या होगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग को बिहेवियर मिल रहा है, इसलिए रोटर घूमने लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रोटेटिंग फील्ड। अब देखिए आगे। एट 70 to 80% स्पीड स्विच एस गेट्स ओपन। जब 70 से 80% स्पीड अटेन हो जाता है तो स्विच हमारा एस जो है ओपन हो जाएगा एंड रोटर कंटिन्यू टू रोटेट इन द स्टार्टेड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मेन वाइंडिंग ओनली एज पर डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। तो कहता है कि 70 से 80% स्पीड पर स्विच ओपन हो जाएगा और ऐसी स्थिति पर क्या मिलेगा, रोटर हमारा रनिंग कंडीशन में रहेगा और मेन वाइंडिंग केवल रहेगा। तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अनुसार रोटर पर जो है टॉर्क क्रिएट होगा, चूँकि रोटर रनिंग पर है तो रोटर पर टॉर्क आता है और वो टॉर्क जो है मोशन को मेंटेन करेगा और इस तरह से रोटर कंटिन्यूसली घूमता ही रहेगा, जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसी डायरेक्शन में मोशन को मेंटेन करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। ये देखिए ऊपर वाला जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाला, इसके लिए क्या होता है मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग दोनों कनेक्ट रहता है। इसके लिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए है ना मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग दोनों कनेक्ट रहता है, जहां हम लोगों को स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है। और ये जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हो गया सिर्फ मेन वाइंडिंग के लिए। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है आप देखे होंगे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में मैंने ये दिखाया है। तो ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें दोनों वाइंडिंग कनेक्ट हो रहे हैं और इस कैरेक्टरिस्टिक्स में केवल मेन वाइंडिंग कनेक्ट है। अब देखिए दोनों वाइंडिंग के सहारा से जो है स्टार्ट होता है मोटर, स्टार्ट होकर के जो है कर्व को यहाँ तक कंटिन्यू करता है, इस जगह जो है स्विच ओपन हो जाता है, इस जगह 70 से 80% स्पीड अटेन हो जाता है, स्विच ओपन हो जाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक सीधे जंप कर जाता है मेन वाइंडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। और इस तरह से जो है हम लोगों को टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ एक चीज़ और देखना है कि ये देखिए स्टार्टिंग टॉर्क है और ये स्टार्टिंग टॉर्क जो है 1.5 से 2 गुना होता है फुल लोड टॉर्क का, है ना। TDST इज 1.5 to 2 times द फुल लोड टॉर्क, यानी स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिलेगा, जो मैंने फेजर डायग्राम में भी जो है स्टार्टिंग टॉर्क को बताया था कि वो अच्छा होगा, हाई होगा। अब देखिएगा रिवर्सल ऑफ रोटेशन। टू गेट रिवर्स रोटेशन ऑफ द मोटर कनेक्शन ऑफ वन ऑफ द वाइंडिंग हैव टू बी रिवर्स, मेन वाइंडिंग का या एक्सिलरी वाइंडिंग का, किसी एक वाइंडिंग का जो टर्मिनल कनेक्शन है उसको रिवर्स कर दीजिए, रोटेटिंग फील्ड जो होता है इनिशियल रोटेटिंग फील्ड जो है उल्टा होगा तो रोटर जो है उल्टा घूमना शुरू कर देगा। अब देखते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का, तो कहाँ कर सकते हैं, इन कंप्रेसर्स, इन रेफ्रिजरेटर्स, इन फ्लोर पॉलिशर्स, इन फ्लोर क्लीनर्स, ये सब जो है ये सब एप्लीकेशंस में है ना, कंप्रेसर्स, रेफ्रिजरेटर्स, फ्लोर पॉलिशर्स, फ्लोर क्लीनर्स, ये सब जगह पर जो है हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब एप्लीकेशंस में हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए और ये मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क देने में सक्षम है, इसलिए ये सब एप्लीकेशंस के लिए हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग कर सकते हैं।
आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एसी मशीन का सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल्स पर जाएं, चैनल्स में जाकर के वीडियोज़ पर जाएं और सारा वीडियोज़ को नीचे से ऊपर की ओर देखें, आपको सारा वीडियो सीरियल वाइज मिलेगा। धन्यवाद।